हेलो गाइस, तो कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग एकदम बढ़िया से हो गए। तो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के एक और नए एपिसोड में। ए भैया, कहाँ चले गए यार? ओ बन्ना, मैं भला तुझे छोड़ के कहाँ जा सकता हूँ, तू ही बता दे। हाँ भैया, वो तो है। भैया, एक बार फिर से हम लोग माइनक्राफ्ट में आ चुके हैं। वैसे हम लोगों ने काफी ज्यादा गैप दे दिया ना। हाँ भैया, वो तो है, क्योंकि भैया ऐसे बड़े बड़े चैनलों में ऐसे छोटे मोटे गैप्स होते रहते हैं यार। और मुन्ना, चैनल बड़ा तो नहीं है, बड़ा तो मुन्ना तब होगा जब हम लोग की 500K की फैमिली होगी। हाँ भैया, वो तो आपने बिल्कुल सही कहा। ए गाइस, इसलिए जल्दी सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को। और होगी ये भी देख रहे हैं, आजकल आप लोग वीडियो पे लाइक नहीं मार रहे, तो जल्दी से वीडियो पे लाइक मार दो, वो तो बचना ही नहीं चाहिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही देना। और मुन्ना, वैसे आज हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या? ए भैया यार, आज हमारे पास घर वगैरह नहीं है। चलिए भैया, पहले छोटा सा घर बनाते हैं यार। और मुन्ना, घर वगैरह बनाते ही रहेंगे। ओए काऊ कैसी है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता देना। है भैया, उसको छोड़े यार। चलिए सबसे पहले हम लोग क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं, क्योंकि भैया उसी से पूरा माइनक्राफ्ट में काम होता है यार। और मुन्ना, ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही। ओए चल मुन्ना, वैसे इतनी लकड़ियां काफी रहेंगी एक क्राफ्टिंग टेबल बनाने के लिए। हाँ भैया, वो तो है। निकल जाओ, ये मेरा इलाका है। ओए इलाका, ओए अभी बताता हूँ किसका इलाका है, चल तू निकल ले। ओए ये क्या मुन्ना, इसकी आत्मा कहाँ उड़ गई है? भैया ये क्या हो गया यार, आज तो मैजिक हो गया। ओए मैजिक नहीं मुन्ना, ये क्या हो रहा है? ओए आत्मा उसकी उड़ गई है और शरीर मुन्ना इसका नीचे छूट गया। ओए हाँ भैया, ये तो नहीं होता था। ओए ये क्या हो रहा है? ओए देख मुन्ना, अभी भी उसकी आत्मा उड़ती जा रही है। भैया ये क्या, काऊ तो एंजल बन के उड़ गई और मुन्ना शरीर नीचे भी छोड़ गई। हाँ भैया, कहीं हमारे मारने पर तो ऐसा नहीं हुआ? ओए मुझे भी ऐसा लगता है। ओए ये कैसा शरीर है, देख कैसे पड़ी हुई है। ओए ये क्या, कहाँ गायब हो गई? हे भैया, आपके दो हिट करने पर पता नहीं कहाँ गायब हो गई। ओए ये कैसे हो सकता है, हमने जिसको मारा वो एंजल बन के ऊपर उड़ गया। ओए मतलब कि, ओए पिगी कैसा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन अब हो जाएगी, रुक जा, कहाँ जा रहा है, चल निकल ले, बाहर तो मारूंगा। हे भैया क्या कर रहे हैं? ओए ये क्या मुन्ना, ये भी एंजल बन के उड़ गया। ए भैया ये हो क्या रहा है यार, आज भैया ये सब लोग इतने अजीब तरीके से क्यों मर रहे हैं यार? ओए मुन्ना, वही तो मुझे भी नहीं पता चल पा रहा। ओ ये देख, पिगी का शरीर तो नीचे ही रह गया और इसकी मुन्ना आत्मा ऊपर उड़ गई। ओए हाँ भैया, वो तो भगवान के पास चली गई होगी। ओए मुझे भी ऐसा ही लगता है। ओए पिगी, ओए मुन्ना बड़ा अजीब लग रहा है ये तो। हाँ भैया, क्योंकि हम लोग पहली बार खुद ही देख रहे हैं यार। ओए मुन्ना, ये भी बात तूने बिल्कुल सही कही। ओए ये क्या, इसका नहीं गायब हो रहा है शरीर? हे भैया उसको छोड़े जाओ, चलिए और पर भी ट्राई करते हैं ना। ओए अब किस पर ट्राई करें? हे भैया, जैसा कि और भी तो भैया एनिमल्स है ना माइनक्राफ्ट में। ओए मुन्ना, वो तो है, लेकिन ट्राई किस पर करें? हे भैया चलिए कोई चिकन वगैरह ढूंढते हैं, या तो कोई हॉर्स भी चल जाएगा। हाँ भैया वो भी चल जाएगा। गाइस, क्या आप जानते हो, आप 1xbet से भी काफी पैसा कमा सकते हो, लाइक फुटबॉल और फॉर्मूला 1 और भी बहुत कुछ। तो 1xbet आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा जिसमें आप स्पोर्ट में पैसा कमा सकते हो, लाइक डोटा, CS:GO और भी बहुत सारे गेम खेलकर। तो गाइस, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हो। ओए मुन्ना, ढूंढते ढूंढते चिकन नहीं मिला, लेकिन पिगी जरूर मिल गया, इसको नहीं छोड़ूंगा। ओए ये क्या, ये देख मुन्ना, ये भी उड़ गया। हाँ भैया यार, आज तो माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड बदला बदला लग रहा है। ओए बदला बदला क्या, सबकी आत्माएं ऊपर जा रही हैं। ओए ये देख, इसकी भी चली गई। हाँ भैया, और ये पिग तो एंजल बन के चला गया। देखिए भैया, इसके सर पर रिंग भी है, वो देखिए भैया एंजल वाली। ओए वैसे बात तो तूने बिल्कुल सही कही। ओए वो देख, दो दो पिगी ऊपर जा रहे हैं। ओए और शरीर को नीचे छोड़ गए। भैया वो रहा सामने चिकन। ओए हॉर्स भी है, चल जल्दी चलते हैं। ओए ये कहाँ गिर गए? ओए ये कौन सी गुफा में आ गए? हे भैया इस गुफा से निकलिए यार। चलिए भैया, वो सामने चिकन थी यार। ओए उस चिकन को हम लोग इस हॉर्स से चेस करेंगे, और जैसे चिकन पकड़ में आ जाएंगे तो उसको तोड़ देंगे और फोड़ भी देंगे। चल हॉर्स जल्दी से हम लोग को चिकन के पास ले चल। चल मुन्ना, हम लोग हॉर्स पर बैठ चुके हैं, भगा ले जल्दी से। हे भैया ये हॉर्स मान ही नहीं रहा, हम लोग को गिरा दिया यार। ओए गिरा दिया, इसकी हिम्मत नहीं, छोड़ूंगा, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। ओए ये कौन डीमन है? हे भैया ये कौन शैतान है यार? ओए मुन्ना ये कौन था? हे भैया देखिए, हॉर्स की भी आत्मा ऊपर चली गई एंजल बन के। ओए वो तो ठीक है, लेकिन मुन्ना वो कौन था, उसके हाथ में देख रहा था क्या था? हाँ भैया मैंने भी देखा, शायद भैया वही है जो सबकी जान ले लेता है और सबको एंजल बना के ऊपर भेज देता है। ओए मुन्ना पता नहीं क्या हो रहा है। ओए काऊ पर एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ये देख मुन्ना, ये भी एंजल बन के उड़ गई, लेकिन वो वाला मुन्ना शैतान आया नहीं है। हे भैया शायद वो हॉर्स को मारने में दिखता हो। ओए ये बात भी तूने शायद सही कही है। ओए चल उनको छोड़ते हैं मुन्ना, हम लोग जॉम्बी पर भी तो ट्राई कर सकते हैं ना। हे भैया जॉम्बी तो लेकिन पहले से ही मरे होते हैं ना। ओए बात तो मुन्ना तेरी सही है, लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है? ओए
वो देख मुन्ना, शाम भी होने लगी है और जॉम्बी आने का समय हो चुका है और सामने मुझे एक सीप भी दिख रही है। ओए मुन्ना, क्या सीप भी उड़ेगी? हाँ भैया, चले इसी बहाने वूल भी मिल जाएगी। और ये क्या, वूल तो मिल गई लेकिन मुन्ना सीप की लगता है आत्मा उड़ी नहीं है आसमान में। हाँ भैया, ये कैसे हो सकता है यार, और तो सबकी उड़ रही है। ओए पता नहीं क्या हो रहा है, किसी की आत्मा उड़ रही है और किसी की नहीं उड़ रही है। ये देख मुन्ना, हॉर्स दोबारा से मिल गया। ए भैया यार, वो मारने वाला शैतान फिर से आएगा। ओए तुम्हारे देना डरते थोड़ी है। ओए ये रहा मुन्ना, वही शैतान है ना। हाँ भैया, इसकी आंखें देखी आपने? ओए मुन्ना, मैंने देखी, एकदम रेड कलर की आईज थी। हाँ भैया, और कितना खतरनाक भी था ना। ओए मुन्ना, मुझे तो ये मौत का देवता लगता है। हाँ भैया, मुझे भी यही लगता है। यही है भैया मौत का देवता, जो कि भैया सभी को आसमान में पहुंचा रहा है एंजल बना के। ओए मुन्ना, मौत का देवता ओनली जान लेता है, आसमान में एंजल बना के नहीं भेजता है। हे भैया, कुछ भी हो, चलिए अब हम लोग जॉम्बियों को ढूंढते हैं और भैया उनको भी तोड़ते फोड़ते हैं, और भैया देखते हैं उनकी भी आत्मा ऊपर जाती है कि नहीं। ओए मुन्ना, उनकी कैसे जा सकती है? लेकिन मुन्ना, सेब के क्यों नहीं जा रहा है? ये देख, सेब को तो मुन्ना कुछ हो ही नहीं रहा। हाँ भैया यार, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। चलिए भैया, शिप का कुछ ग्लिच वगैरह होगा, पता नहीं क्या हो रहा है। ओए चल, उसको छोड़, हम लोग को जॉम्बी को ढूंढना है ना। हाँ भैया, जॉम्बी को ढूंढना है और तोड़ना फोड़ना है हमेशा की तरह। लगता है तेरी बात को मौत के देवता ने सुन लिया। ये देख, सामने क्रीपर आ गया। ओए नहीं छोड़ूंगा। हे भैया, फटने न पाए, मुझे देखना है कि मरता कैसे है। ओए देखना तो मुझे भी है, तू टेंशन ना ले। ओए ये क्या, इसकी भी आत्मा उड़ गई। ओए ये क्या, ब्लास्ट भी कर गई। ओए इसको तो हमने मार दिया था, लेकिन ब्लास्ट कैसे हो गया? हे भैया, मुझे कैसे पता यार। देखिए भैया, उधर बूम भी लिख गया था, और भैया जैसे बूम लिख गया वैसे ही ब्लास्ट भी हो गया। ओए अभी जॉम्बी को नहीं छोड़ूंगा। हे भैया, इसको तोड़ दीजिए और फोड़ भी दीजिए। ओए मुन्ना, ये ले टूट गया। ओ ये क्या था, सचमुच टूट गया, मैं तो सोचा मर जाएगा। हे भैया, ये तो दो टुकड़ों में बिखर गया। ओए मुन्ना, पता नहीं आज के वर्ल्ड में अजीब क्या हो रहा है। हाँ भैया, अजीब सा तो मुझे भी लग रहा है। हे भैया, क्रीपर आ रहा है। ओए इस क्रीपर को तो अब नहीं छोड़ूंगा। हे भैया, वो मरने पर भी ब्लास्ट हो जाता है यार। इसका तो बूम ब्लास्ट मैं ही करूंगा, रुक जा, नहीं छोड़ूंगा। हे भैया, फटने वाला है। ओए तो मुन्ना, फटने देना, हम लोग डरते थोड़ी हैं। इसका तो मैं अभी, रुक जाओ। ये क्या है भैया, वो देखा दोबारा से बूम लिख गया और भैया फट भी गया यार। ओए मुन्ना, तूने देखा क्या, हमारे मारने के बाद उसके हाथ पैर अलग हो गए थे, उसके बाद वो फट गया। ओए हाँ भैया, वही क्रिएशन तो मैं भी देख रहा हूँ यार, पता नहीं क्या हो रहा है। चलिए भैया, हम लोग दूसरे जॉम्बियों को मार कर देखते हैं, देखते हैं उनसे क्या होता है। ओए मुन्ना, लेकिन दूसरा जॉम्बी अभी बचा कौन सा है? हे भैया, अभी बहुत सारे जॉम्बी है यार, जैसे कि भैया हम लोग का प्यारा स्केलेटन हड्डी भैया, भूल गया क्या? ओए मुन्ना, उसको कैसे भूल सकता हूँ, चल जल्दी से उसको ढूंढते हैं, तोड़ते फोड़ते हैं। हाँ भैया चलिए फिर, मुश्किल वक्त कमांडो सब। मुन्ना मुश्किलें तो अब उस हड्डी के लिए आएंगी, सोच मुन्ना हम लोग उसे कैसे मारेंगे और वो कैसे मरेगा। हे भैया, फिलहाल तो अभी क्रीपर से अपने आप को बचाइए। ओए बच गए, देखा ही नहीं था। ओए मुन्ना देख, मकड़ी भी आ गई। ओ ये क्या, क्रीपर ने दोनों को मार दिया, फट ही गया आखिरकार। हे भैया, मैंने बोला था ना संभल कर रहिएगा। ओए तू टेंशन ना ले। ओए हड्डी आज दिख क्यों नहीं रहा, कहाँ चला गया? ओए ये रहा। ओए हड्डी कैसा है, अब नहीं बचेगा मेरे हाथ से। और ये ले अब तलवार का, तू नहीं छोड़ूंगा, तोड़ दूंगा। हे भैया, वो तो पानी के नीचे चला गया। हे भैया, सामने क्रीपर यार। ओए अब क्या होगा? हे भैया, हो रहा क्या है, बैंड बच गया। ओए चल मुन्ना, बच गए, वो पानी में था तो ज्यादा हम लोग को इफेक्ट पड़ा नहीं, लेकिन इस हड्डी को ज्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा। ओए मुन्ना, मैंने इसको मार दिया। हे भैया, कुछ हुआ क्या? ओए ये देख, इसकी मुन्ना पानी में हड्डियां तैर रही हैं। हे भैया, बात तो सही कहो। हे भैया, ये जॉम्बी कहाँ से आ गया? ओए जॉम्बी की तो मैं, ये ले तोड़ दिया इसको भी। ये देख, ये भी दो टुकड़ों में बिखर गया। ओए मुन्ना, मैं इस मकड़ी को देखना चाहता हूँ, ये मकड़ी कैसे मरती है। हे भैया, तो तोड़ दीजिए, किस बात की देरी? वाह क्या बात है, दोनों बिल्ले ने मकड़ी का बना दिया जाला, अच्छा है। हे भैया, लगता है मकड़ी पैरालाइज हो गई। ओए पैरालाइज नहीं, पता नहीं बड़ी अजीब सी बन गई थी। हाँ भैया, पता नहीं क्या होगा। हे भैया, वो देखिए सामने एक और हड्डी मिल गया। ओए कहाँ दिख गया हड्डी? हे भैया, वो देखिए सामने। ये क्या भैया, इधर तो एक मकड़ी भी है। ओए मकड़ी को बाद में देखेंगे, पहले हड्डी को देखते हैं। ओए हड्डी नहीं छोड़ूंगा, तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा। ओए ये ले। ओए क्या बात है मुन्ना, इसका तो मुन्ना पूरा सर ही अलग हो गया। हाँ भैया क्या बात है, लेकिन भैया ये लोग एंजल क्यों नहीं बन रहे? ओए मुन्ना, जॉम्बी कभी एंजल बनेगा? तू भी ना पगला गया क्या? ए भैया, पहले इनको संभालिए यार। ओए ये ले मकड़ी, नहीं छोड़ूंगा। ओए जॉम्बी, तुझे बहुत चुल मची हुई है ना, अब ये ले जा कढ़ाई किलो का हाथ खा। ये ले, टूट गया ना। ए भैया, आपने तो तीनों को एक ही बार में समेट दिया। ओए मुन्ना तो समेटने की बात करता है, देखा ना भैया कमाल। हाँ भैया कमाल तो आपने कर दिया। ए भैया, जॉम्बी की बॉडी कहाँ गायब हो गई? ओए बॉडी नहीं है, मकड़ी कहाँ से आ गई? ओए नहीं छोड़ूंगा, ये ले इसका भी बन गया जाला। ओए
हाँ भैया यार जाला ही बन गया ये देखिए भैया हड्डी की भी बॉडी गायब हो गई। बंदा मुझे तो लगता है थोड़ी देर बाद सभी की बॉडी से गायब हो जाती है। हाँ भैया जैसे कि आपने उस पिगी को मारा था थोड़ी देर बाद भैया वो भी गायब हो गया था। बंदा चाहे कुछ भी हो आज तो एकदम मजा ही आ गया। हाँ भैया एकदम हम लोग को असली वाला फील मिला वो भी जोम्बियों को तोड़ने फोड़ने का। बंदा बिल्कुल सही कहा। ये हड्डी कहाँ से आ गया पानी में क्या कर रहा है? रुक जा इसकी पानी में ही बैंड बजा देता हूँ। ये देख बन गया ना इसका हड्डी वाला ढांचा। भैया जैसे म्यूजियम में होते हैं मुन्ना बिल्कुल सही वैसा ही था। भैया कुछ भी हो मजा फुलट हुआ गया। मुन्ना मजा लेने तो अभी बाकी है अभी पूरी रात बाकी है अभी पूरी रात इन जोम्बियों को तोड़े फोड़ेंगे। ये देख फिर से मिल गया। नहीं छोड़ूंगा तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा। ये ले देखा ना मुन्ना अलग हो गया वो भी दो टुकड़ों में। ये कौन फटा? हे भैया क्रीपर के अलावा फट भी कौन सकता है? मुन्ना जरा देख तो जोम्बी को मेरी तलवार ऐसी लगी कि पूरा जोम्बी कट के आधा हो गया। भैया वो तो है आप कमाल के हैं। Meanwhile मुन्ना सुबह हो गई कुछ भी हो जोम्बियों को रात में तोड़ने फोड़ने का मजा ही कुछ अलग था। भैया मजा तो आ गया। ये देखिए भैया अभी भी जलते हुए आ रहा है। लेकिन मुन्ना पहुंच ही नहीं पाया नहीं तो इसको भी मुन्ना मैं आधा कर देता। ए भैया इसके पास भी नहीं पहुंच पाए। मुन्ना जोम्बी बिना बेफालतू को पंगा लेने आ जाते हैं। हे भैया क्रीपर फट जाएगा। टेंशन ना ले कैसे फट जाएगा। ये क्या फट ही गया आखिरकार। मुझे पता है आगे की स्टोरी भी आप जानना चाहते होंगे। उसके बाद क्या था? बिल्लो ने भी सोचा हम भी बनेंगे एंजल और उन्होंने मार दी एक लंबे टावर से छलांग। और फिर क्या था? बैंड बज गया। अच्छा है।